अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज ना हम आईफोन 6s प्लस पे, जिस पे मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, गेम प्लेस वगैरह, तो आज हमने इस पे पबजी टेस्ट करेंगे कि ये हमें पबजी में कैसा परफॉर्मेंस देता है। और आप लोगों को पता है कि मतलब जो इस्तेमाल कर रहे होंगे ये आईफोन 6s प्लस को, इनको तो ऑलरेडी पता है कि ये कितने FPS सपोर्ट करता है और इसकी गेम प्ले कैसी है। लेकिन अगर आप इसको ख़रीदने जा रहे हो तो भी इसको हम इस पे कंप्लीट रिव्यू देते हैं कि आपने इसको ख़रीदना है या नहीं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग में, इसकी जो न्यू अपडेट आई हुई है वो देख लेते हैं। अभी अभी मैंने अपडेट किया वो इसको, ये आईफोन 15.7, ये सॉफ्टवेयर वर्जन, और ये मॉडल जो है ना आईफोन 6s प्लस है। तो ये बहुत ही बेस्ट डिवाइस है इस रेंज में, ये तकरीबन 20,000 तक मिल जाता है इजीली मार्केट से, 64 GB में, और 25 GB मिल जाता है, सॉरी 25,000 तक मिल जाता है 128 GB में, PTA अप्रूव्ड। तो मैंने जो ये लिया वो ये 64 GB है, लेकिन इसकी जो रैम है ये बिल्कुल ख़राब है। तो इस पिन हम गेम टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम गेम ऑन कर देते हैं कि ये हमें गेम में कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो गेम में चलते हैं, गेम प्लेस तो आप लोग देखते रहते हो कि मैं जो आईफोन 6s प्लस पे अपलोड करते रहता हूँ, तो यहाँ पर हम ना थोड़ा हैंड कैम भी देख लीजिए कि है कैसे चलता है। मतलब ज़्यादातर लोगों के दिलों में भी शक होता है कि यार ये आईफोन 6s प्लस नहीं है, ये इतना स्मूथ कैसे है। तो यहाँ पर ये आप लोगों के सामने है कि ये आईफोन 6s प्लस है, आप लोगों ने खुद देख ही लिया है। तो यहाँ पर हम इस पर पबजी लगा देते हैं, और ये नॉन जैरो है क्योंकि ना इसकी जैरो ख़राब है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी जैरो ठीक कर लूँगा जल्द जल्द, क्योंकि ना जैरो के बगैर गेम खेलना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। तो हम इस पे आज कंप्लीट व्यू देते रहे हैं कि ये पबजी कैसे चलाता है और ये कितने FPS देता है। और इसके एक अलग बात है और, कि मतलब आईफोन की जो अपनी एडिटिंग होती है वो आप लोगों को आईफोन 7 से मिलती है, लेकिन नहीं, ये आईफोन 6s प्लस में अपनी एडिटिंग मिलती है, पिक्चर और वीडियो दोनों की। तो यहाँ पर हमारे पास गेम ऑन हो गया है, तो सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में यहाँ पर आते हैं ग्राफिक्स में, तो ग्राफिक्स आप लोगों को पता ही है कि ये कितने FPS सपोर्ट करता है। यहाँ पर ये स्मूथ पे हाई देता है, बैलेंस पे हाई देता है, और HD पे ये हाई देता है हमको। तो ये इसके ग्राफिक सपोर्ट है, तो हम पहले स्मूथ हाई पे देख लेते हैं कि ये कैसे गेम में परफॉर्मेंस देता है। तो हम एक TDM देख लेते हैं यहाँ पर, ये कहना TDM टाइम नहीं लेता, और ना इसे गेम प्लेस तो आप लोग को खुद देखते रहते हो, मैं डेली अपलोड करते रहता हूँ। तो हम यहाँ पर पहले एक TDM देख लेते हैं कि ये कैसे परफॉर्मेंस देता है हमें। तो चलो यहाँ पर हम एक TDM में देख लेते हैं, गेम स्टार्ट हो जाता है। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो और मैं ना आईफोन 6s प्लस डेली वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर गेम स्टार्ट हो गया, आप लोग यहाँ पर देख सको कि ये नॉन जैरो है, इसकी जैरो बिल्कुल ख़राब है, देख सकते हो। अगर आप लोग सेटिंग पे जाके यहाँ पर सेंसिटिविटी में आप लोग जैरो देख सको, ये ऑलवेज ऑन है, देख लो, और काम नहीं कर रहा, आप लोग देख सकते हो। तो हम इसकी थोड़ा गेम देख लेते हैं, जैरो बिल्कुल ख़राब है, स्मूथनेस आप देख सकते हो कि स्मूथनेस इसकी बिल्कुल मज़े की है, सॉरी, ये देखो इंटरनेट की वजह से ना मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे को बुलेट लग रही है। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, बच गया यार। इस पे ना जैरो के बगैर बड़ा मुश्किल होता है, और अब ना मैं सही बैठा ही नहीं हूँ। तो आप लोग चैनल पे गेम प्लेस वगैरह देख सकते हो यहाँ पर, या तो मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए भेज रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर देख सको, क्योंकि ना यहाँ पर स्मूथनेस की हद है। आईफोन 7 प्लस की बजाय मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग आईफोन 6s प्लस ले लो, क्योंकि ना 7 प्लस से ये बेटर है, मैं यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मज़े की गेम प्ले है इसकी। आईफोन 7 प्लस ना हीट बहुत होता है, और उसमें 40 FPS आते हैं, उसमें 30, लेकिन इसके 30 ना 40 से बेटर है। घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, पिस्टल पे मार दिया, अजीब। ये मैं विदाउट जैरो खेल रहा हूँ, गेम प्लेस भी विदाउट जैरो की होती है, ये पीछे से आ गया आप लोग को।
मतलब गेम प्ले ना बहुत ही मज़े की है आप लोगों 2022 में, इसको रिकमेंड मैं आप लोगों को करूँगा, आप लोग इसको इजीली बाई कर सकते हो। लेकिन मार्केट ना बहुत शॉर्ट है और मार्केट वाले जो प्राइस बता दी उसी प्राइस में इसमें आप लोगों ने खरीदनी है। क्योंकि ना मार्केट वाले बिल्कुल आपके साथ गुजारा नहीं करेंगे, मेरे साथ भी नहीं किया है, उसके इतने सारे मसले हैं, जैरो भी ख़राब है, फिर भी लोगों ने मेरे साथ कोई वो नहीं की, गुजारा नहीं किया। मैंने विदाउट जैरो बहुत ऐसे खेल रहा हूँ, तो जैरो के साथ कैसे खेलूँगा आप लोगों। ये जैरो के बगैर ना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके, अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओ बाय, अल्लाह हाफिज़।